कहाँ हो तुम कार्तिक? जल्दी आ जाओ ना, तुमसे कुछ शेयर करना है। नायरा का प्यार, नायरा, कार्तिक का शक। क्या हुआ है कार्तिक? आई लव यू नायरा, आई रियली लव यू। बस एक बात पूछनी थी, क्या तुम उस रात उस आदमी के साथ थी? हाँ, तुम सही सोच रहे हो। जी हाँ, बहुत जल्द नायरा और कार्तिक के रिश्ते में ट्विस्ट आने वाला है। वैसे इस ट्विस्ट के पहले क्रिश के अन्नप्राशन में भी आ गया है ट्विस्ट। अले यार, जल्दी जल्दी ये रस्म शुरू करो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पहली बार अन्न खाने को मिलेगा मुझे। हाँ हाँ बेटा, ये लो मामा के हाथ से खाओ। मजा आ गया, और दो ना प्लीज। अच्छा लो, अब मामी के हाथ से भी खा लो। वाओ, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। लो जी, कीर्ति के बेटे क्रिश की अन्न प्राशन की रस्म पूरी हो गई। पहली बार अनाज का स्वाद चखकर क्रिश तो खुश हो गया। लेकिन इस खुशी के मौके पर कार्तिक और नायरा के चेहरे पर शिकन नजर आ रही है। असल में कार्तिक क्रिश के लिए गिफ्ट लाना भूल जाता है, लेकिन नायरा गिफ्ट मंगा कर उस पर कार्तिक और अपना नाम लिखवा देती है। पर उसमें भी ट्विस्ट आ जाता है। जहाँ नाम कार्तिक और नायरा दोनों का लिखा होना चाहिए था, वहाँ पे कार्तिक का नाम हट जाता है और सिर्फ नायरा का नाम रहता है। तो सबको यही लगता है कि गिफ्ट नायरा लाई है, और अगर नायरा भी लाई है तो वो कार्तिक का नाम लिख सकती थी। उसने क्यों नहीं लिखा या कार्तिक क्यों नहीं लाया, ये सब कन्फ्यूजन। सो बेसिकली पीपल आर थिंकिंग कि नायरा शायद शो ऑफ कर रही है कि वो भी कमाने लगी है, और ये थोड़ा सा फैमिली में हजम नहीं हुआ। भाई दादी ने तो पूरी कोशिश की बात का बतंगड़ बनाने की, लेकिन कार्तिक ने आकर संभाल लिया। पर कहीं ना कहीं उसे भी दादी की बात पर भरोसा होने लगा है, इसलिए इस जश्न के मौके पर वो वहाँ होकर भी मौजूद नहीं है। वो फिलहाल अब भी उनके दिमाग में पुरानी बातें ही चल रही है, जो पुरानी चीज को लेके जो जेलसी चल रही थी वो अब भी चल रही है उनके दिमाग में। तो यहाँ तक पूरी तरह ही जस्ट फिजिकली यार सबकॉन्शियसली पूरी तरह वो पार्टी में नहीं हो रहे, इसलिए जब नायरा बार बार कहती भी है उनसे कि यू नो मैंने नहीं किया, तो इट्स जस्ट लाइक कि बात को खत्म करो, आगे बढ़ते। दुल्हन की साइड की ज्वेलरी दूल्हे की साइड की ज्वेलरी से काफी बेटर है। मिहिर कपूर ने ये बात करण सिंह जडेजा को क्यों कही? मैंने बताया था उन्हें। जरूरत क्या थी तुम्हें नायरा? अगर ये बात फैल जाएगी ना कि हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ी थी, तो हमारी आज तक की बनी बनाई इज्जत जीरो हो जाएगी। फिर चाहे वो मदद तुमसे क्यों ना लेनी पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम भी हमारी कॉम्पिटिटर ही हो। दादी तो दादी, वहाँ पर आए मेहमान भी नायरा के काम और तरक्की को लेकर ट्विस्ट लाने की कोशिश में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे नायरा और कार्तिक मिलकर अपने रिश्ते को संभालेंगे। श्रुति बरजातिया, मुंबई आज तक।